Feliz Navidad. Feliz Navidad. Masih aaya kar lo se kabul apna khuda. Masih aaya. Masih aaya. Masih aaya kar lo se kabul apna khuda. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry के नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबकी संडे स्कूल टीचर आंटी समीना हूं और मैरी क्रिसमस। आप सब ने बहुत अच्छे से क्रिसमस को सेलिब्रेट किया अपनी फैमिली के साथ और दोस्तों के साथ और बहुत मजा किया। खुदावंद आपको बरकत दे। साथ साथ हमने सिलसिलेवार सीखा कि यीशु मसीह की पैदाइश पर क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि खुदा का फरिश्ता मरियम के पास आया और मरियम से कहा कि पाक रूह तुझ पे साया करेगा और तेरे बेटा होगा और वो मौलूदे मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और फिर यूसुफ जो मरियम को छोड़ देना चाहता था, खुदा का फरिश्ता उसके पास भी आया और उससे कहा मरियम को अपने यहाँ ले आ, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना। और फिर आगे हमने सीखा कि किस तरह फरिश्ते ने चरवाहों को खुशखबरी दी और उनको कहा आज ही तुम्हारे लिए एक मनज्जी पैदा हुआ है यानी मसीह खुदावंद, और उसके साथ बहुत सारे फरिश्ते भी आ गए और उन्होंने भी खुदा की हमद की। चरवाहों ने जाकर यीशु को देखा और उन्होंने भी खुदा की हमद की। और फिर एक बड़ा सितारा मजूसियों को दिखाई दिया और मजूसी उस सितारे की रानुमाई में ठीक उस जगह पहुंचे जहां वो बच्चा था। मजूसियों ने बच्चे को सजदा भी किया और ये बच्चा यीशु मसीह है, उसको सजदा भी किया और अपने डब्बे खोलकर सोना लुभान और मोर उसको नजर भी किया। अब आज की कहानी में हम सीखेंगे कि मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को कहां लेके जाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर आज की कहानी को सीखते हैं। यशायाह 11 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। और यिस्से के तने से एक कोंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार और वृषाख पैदा होगी। खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी, हिकमत और खर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, और मार्फत और खुदावन के खौफ की रूह। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। आज की कहानी लूका की अंजील दूसरा बाब 22 आयत से 38 आयत तक। बच्चों, मरियम और यूसुफ यहूदी थे और यहूदी लोग मूसा की शरीयत के मुताबिक अपने बच्चों के पैदा होने के बाद उनको यरूशलेम में लाते थे। मरियम और यूसुफ ने भी शरीयत के दस्तूर के मुताबिक अमल किया और यीशु मसीह को लेके यरूशलेम में आए ताकि खुदावन के आगे हाजिर करें। बच्चों, यरूशलेम में एक आदमी रहता था जिसका नाम शमाउन था और कलामे मुकद्दस में लिखा है कि शमाउन रासपास था, खुदा तर्स था, इसराइल की तसल्ली का मुंतजिर था। और बच्चों, खुदा के पाकरू ने उसको बताया था कि जब तक तू खुदा के मसीह को देख ना ले तू मरेगा नहीं। और जब मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को लेकर हैकल में आए तो बिल्कुल उसी वक्त शमाउन आया और उसने यीशु मसीह को गोद में लिया
और वो खुदा की हम्द करने लगा। खुदा की हम्द करता था और फिर उसने खुदा से कहा, आए मालिक, अब तू अपने खादम को अपने कॉल के मुताबिक सलामती से रुखसत कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। और बच्चों, मरियम और यूसुफ इन सब बातों से बहुत हैरान हुए। शमाउन ने मरियम और यूसुफ को बरकत भी दी और खास तौर से मरियम से कहा, ये बच्चा इसराइल में बथेरों के गिरने और उठने के लिए ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर हुआ है जिसकी मुखालफत की जाएगी। और फिर उसने ये भी मरियम से कहा, बल्कि खुद आए मरियम तेरी जान भी तलवार से छन्नी की जाएगी, ताकि बहुत लोगों के दिलों का ख्याल खुल जाए। फिर बच्चों, वहां पर एक बुजुर्ग औरत थी जिसका नाम हन्ना था, जो एक नबिया थी और आशर के कबीले से उसका ताल्लुक था। वो 84 बरस की थी और वह हैकल में रहती थी, रात दिन रोजे रखती थी, दुआ करती थी और इबादत करती थी। वो अपना सारा वक्त हैकल में ही गुजारती थी। और जब उसने भी मरियम और यूसुफ को और यीशु मसीह को देखा, तो फिर वो खुदा का शुक्र करने लगी और उसकी तारीफ करने लगी और उसकी हम्द करने लगी। और वो लोग जो वहाँ यरूशलम में थे और इस चीज़ के मुंतजिर थे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने जब यीशु को देखा तो वो भी खुदा की तारीफ और उसकी हम करने लगे। बच्चों, हमने कलाम मुकद्दस में से सीखा कि यीशु मसीह जो खुदा है, कायनात का बनाने वाला है, वो इंसान बनकर इस दुनिया में आया और चरनी में उसे जन्म लिया। और उसका इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दे। तो यीशु मसीह इंसान बना, चरनी में पैदा हुआ, और फिर उसके आने का मकसद कि वो सब इंसानों के लिए अपनी जान सलीब पर दे। यीशु मसीह ने हम सब की खातर अपनी जान सलीब पर दी, वो मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और बाप के दाहिने बैठा है, जगह तैयार कर रहा है और मुझे और आपको लेने के लिए आने वाला है। सो बच्चों, आपको और मुझे तैयारी करनी है, अपने गुनाहों से तौबा करनी है, ताकि हम सब तैयार हों और आसमान की बादशाहत में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हों। सो आए हम सब मिलकर आसमान की बादशाहत की तैयारी करें और हमेशा खुदावंद के कलाम पर अमल करें, उसके हुक्मों को माने, माँ बाप की बात माने, उस्तादों की बात माने, ताकि हम बिल्कुल रेडी हो जाएं आसमान पर जाने के लिए। तो आए बच्चों, हम सब मिलकर दुआ करें। खुदावंद खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ क्रिसमस के इस तमाम मौका के लिए, जब बच्चों ने और मैंने अपने घर में क्रिसमस की खुशी को मनाया। खुदावंद खुदा, मैं दुआ करती हूँ अपने बेटे यीशु के नाम से हर बच्चे को तौबा करने का, अपने हुक्म में रहने का और तैयार रहने का फजल दे, ताकि जब तू आए तो हम सब हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें और हमेशा हमेशा तेरे साथ रहें। मसीह यीशु के नाम से आमीन। आज की आयत लूका की अंजील 2:30-31। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। एक बार फिर बोलेंगे, लूका की अंजील 2:30।
30 और 31 आयत, क्योंकि मेरी आँखों ने तेरी निजात देख ली है जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। क्रिसमस ट्री फिर से निकाला, चटनी को भी संवारा, मम्मी ने केक बनाया, बाहर मूंगफली वाला आया, बाहर मूंगफली वाला आया, आया आया, देखो क्रिसमस फिर से आया, आया हमारा अजीम शाहजादा आया। सुलह का पैगाम लाया, मुआफी का झंडा ले रहा।